स्पोर्ट्समैन uh, बनना पड़ा आपको ऑल द ट्रेनिंग लुक वेरी रियल इट लुक रियली लाइक लाइक हाउ वन वी सॉ फरहान ट्राइंग टू कैन शेप एंड यू नो डू ऑल दैट लुक वेरी रियल तो आप बन गए आप क्या बॉक्सर आई थिंक आफ्टर द फिल्म इज आई मीन अब मुझे बॉक्सिंग के बारे में इतना तो पता है डेफिनेटली कि यू नो आई कैन गेट इन टू अबाउट बट आई वुडंट से मैं बॉक्सर बन गई हूं एक एक्टर uh, का काम ही होता है कि टू मेक um व्हाटएवर आई एम प्लेइंग स्पेशली अ बायोपिक ऑन अ लिविंग ब्रीदिंग पर्सन हु इज ऑलमोस्ट माय एज आई um, थिंक वो सबसे मुश्किल बात रही मेरे लिए बिकॉज यू नो शी इज़ राइट दट या आई फिजिकली मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ी दो बार इनफैक्ट क्योंकि हमने um, फिल्म को दो बड़े शेड्यूल्स में किया था ट्रेनिंग करनी पड़ी ऑफकोर्स बट ऑल ऑफ इट कम्स विद द टेरिटरी ना अगर बायोपिक लिया है तो ठीक से तो करना पड़ेगा मेरा सवाल यही है कि uh, मेरी ने तो uh, उनको मना किया गया जैसा ट्रेलर में दिखाया जाता है कि तुम बॉक्सिंग मत करो घर के काम करो वगैरह वट रियल लाइफ में असल जिंदगी में कभी आपको किसी काम के लिए मना किया गया था जो आपने किया एज अ प्रियंका ऐसे सवाल मेरी मॉम के सामने पूछ रहे हो आप मतलब आई गेट टू ट्रबल व्हेन आई गो होम um ha i am a rebel without a cause <laughs> i like to rebel for everything. um kafi cheeze hain जो यू नो आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज जो कहते हैं अगर उनको बोला जाए कि आप uh, सिर्फ अपने इस यू you नो know, आप सिर्फ इतना कर सकते हो और वो उसको तोड़ कर आगे बढ़ते हैं मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ किसी ने नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पर हूँगी तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस स्टोरी से एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी फॉर एवरी वन नॉट जस्ट वुमेन बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर टोल्ड कि अच्छा अभी आप तो यहाँ पे ही हो इधर के हो आप इतना ही कर सकते हो सीमाओं में रहने